लैशेस किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं हम अपनी आंखों पे, दूसरों पे, या जब डमी प्रैक्टिस करते हैं तो उस पे। तो आज मैं आप लोगों को बहुत सिंपल सा और इजी वे में ये मेथड बताऊंगी, आप लोगों ने जस्ट इसको फॉलो करना है। सबसे पहले हमें चाहिए होंगी लैशेस और लैशेस ग्लू। हम लोगों ने सिंपली करना ये है कि किसी भी अच्छे ब्रांड की लैशेस ग्लू लेनी है और उसको इस तरह से हम लोगों ने अप्लाई कर लेना है उसके बॉर्डर पे, आईलैशेस के बॉर्डर पे। इस तरह से बहुत ज़्यादा थिन लाइन हम लोग अप्लाई करेंगे इसके साथ, जितनी कम प्रोडक्ट आप लोग यूज़ करेंगे, लेकिन फुल कवरेज आप लोगों ने देनी है। बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट तक आप लोगों ने लैशेस ग्लू को अप्लाई करना है। उसके बाद हम लोगों ने काउंट करना है 10 तक काउंट करना है, और काउंट करने तक ये थोड़ी सी एयर ड्राई हो जाएगी। और उसके बाद हम लोगों ने अप्लाई इस तरह से करनी है कि आईलैशेस को मैंने इसके मिड तक रखना है, मिड लिड के ऊपर रखते हुए इसको आउटर कॉर्नर या और इनर कॉर्नर पे इसको फिक्स कर देना है। इसको फिक्स करने के लिए एक और चीज़ होगी जो कि हमें ब्रश चाहिए होगा। ब्रश की बैक साइड हम लोग यूज़ करेंगे, किसी भी थिन ब्रश की हम लोग बैक साइड यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग जो आईलाइनर अप्लाई करते हैं उसके लिए हमारा जो ब्रश होता है वो काफ़ी थिन होता है, तो उसकी बैक साइड को भी इस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। इनर कॉर्नर पे और आउटर कॉर्नर पे जो पार्ट होता है, पॉइंट होता है, इसको अच्छी तरह से हम लोगों ने फिक्स करना है और इसको देख लेना है कि ये अच्छे से बैठ गई है या नहीं। उसके बाद जी हम लोगों ने सिंपली आईलाइनर अप्लाई करना है, और आईलाइनर अप्लाई करने के बाद आप लोगों ने अपनी लैशेस पे मस्कारा लास्ट में यूज़ करना है ताकि वो जितने भी कर्व्ड होता है वो तो बिल्कुल अच्छे से उठ जाए। ये बहुत सिंपल सा मेथड है जिसको यूज़ करते हुए आप लोग आईलैशेस अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग अपनी लैशेस भी इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हुए, या किसी डमी प्रैक्टिस स्पॉट पे भी आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी।